आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। सिद्धार्थनगर जिले में बीती रात दबंगों ने एक दलित परिवार को उस समय पीट दिया जब दलित परिवार के लोग बेटे की शादी के समय राक्षस घुमाने के लिए गांव की काली माता के मंदिर पर गए थे। इसी दौरान गोरिया गांव के ग्राम प्रधान के लड़के राक्षस घुमाने आई महिलाओं के साथ छेड़खानी करने लगे। इसका विरोध करने पर ग्राम प्रधान सहित उसके लड़कों ने दलित परिवार के लोगों पर पत्थरबाजी की और हमला बोल दिया। इस दौरान आधा दर्जन लोग घायल हो गए जिनमें दो लोगों को गंभीर चोटें भी आई। दूल्हा और उसके बाप का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, बाकी घायलों का इलाज नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र इटवा में चल रहा है। दबंगों की ये दबंगई इस कदर देखने को मिली कि उन लोगों ने इस विवाद के दौरान दूल्हे पर भी गंभीर वार कर दिया। पुलिस ने सूचना के बाद पहले रात में ही घायल दूल्हे का प्राथमिक उपचार के बाद शादी कराई। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर चुकी है और 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहाँ से सब थे बच्चे जो थे नहीं वो सब लोग धागिरी करने लगे, बच्चों को छेड़खानी करने लगे। इसके लिए हम लोग रोकना चाहते थे लेकिन अब वो सब ज्यादा पब्लिक इसलिए नहीं रोक पाए, फिर पत्थरबाजी करने लगे। इसी में मारपीट भी चालू हो गया, मेरी माँ का सर टूट गया था, उधर लेके गया था, इधर औरत गिर गई थी, उसका गाना का सब टूट काट के निकल गया था, पता नहीं कहाँ पता नहीं चलता है। मेरी बहू का एक बड़ी वाली का उसका भी गाना निकल गया था, हाथ का था पैर का था, वो भी निकल के गिर गया, पता नहीं कहाँ गया। आप दूल्हा थे, आप बारात जा रही थी, क्या विवाद हुआ है, कितने लोग घायल हुए हैं? 9 लोग घायल हुए हैं और 5-6 लोग और मार रहे थे। कौन से लोग थे, कहाँ लोग? प्रधान के लोग। कार्रवाई की क्या उसके बाद? हाँ, उसके बाद हम लोग पुलिस को लेकर फोन लगाए थे, पुलिस लोग आए थे, हम लोगों को उठा के लेके गई हुआ इटवा, भर्ती वर्ती कराए, उसके बाद वहाँ से जवाब दे बच्चे आप। एक दलित एक पक्ष के लोगों की बारात जा रही थी, उसमें दूसरे पक्ष के द्वारा मारपीट की गई, मारपीट से मतलब कई लोग घायल हो गए, घायलों के आवश्यक विधि कार्रवाई से शुरू की गई है, कुछ लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। दबंग किस्म के लोग हैं, अक्सर ऐसा करते रहते हैं, ठीक है, जो भी उसमें विधि कार्रवाई होती है हम लोगों ने पूरी तरह से कार्रवाई की है। रात में कई फोन खोल गई थी और फोन करके जो भी मतलब आवश्यक कार्रवाई थी सबको किया, और पिछले वर्तमान में सब तरह शांति है। जहाँ तक उसकी दलित परिवार की शादी की बात थी, रात में शादी की पूरी करा दी गई थी, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल केकेडी न्यूज और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन।